तो दोस्तों आपका स्वागत है रेवी माजा के एक और एपिसोड में। जैसे कि आपने सुना होगा आवाज आ रही है वाटर प्यूरिफायर में, तो इस वाटर प्यूरिफायर को, ये जो आवाज आ रहा है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये आवाज जो आ रही है आप फिर से सुनिए, ये आवाज को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, ये आवाज आ रही है वाइब्रेशन के वजह से। तो उसके लिए आपको दो चीजें करनी है, एक तो है यहाँ पे एक केबल टाई से आप ये पाइप को टाइट कर लीजिए, जो पंप में से जो पाइप निकलता है उसको, और दूसरी जगह पे ये यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, तो इसको भी आप कहीं से टैग कर दीजिए कुछ इस तरह से, ताकि उसका वाइब्रेशन जो है वो बंद हो जाए, और आपका वाइब्रेशन जो है वो बंद हो जाए। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, तुरंत आपको डिफरेंट समझ में आएगा कि आवाज पूरी तरह से कम हो गई है। थोड़ा सा तो वाइब्रेशन पंप का रहता है, इतना सही है, और अभी कोई वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशन को रोकने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आपने अगर पंप को चारों तरफ से, चारों नट से टाइट नहीं किया होगा तो पंप ज्यादा वाइब्रेट करता है, और जो पाइप आपका पंप में से निकलता है उसकी लेंथ अगर ज्यादा हो जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी थोड़ी सी लेंथ जो है वो ज्यादा हो गई है, जो मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है पाइप, तो उसके वजह से वो वाइब्रेट होता है। तो इसको छोटा कर दूंगा तो भी वाइब्रेशन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो अभी मैंने इसको केबल टाई से बांध दिया है, तो वो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो ये पाइप को छोटा रखे, ज्यादा लंबा ना रखे, और केबल टाई यूज करके उसको सिक्योर कर दीजिए, पैक कर दीजिए, ताकि कोई वाइब्रेशन ना रहे, और जो ब्लू लॉक से उसका इस्तेमाल करना ना भूलिए, और इसमें कहीं से थोड़ा लीकेज भी है तो उसको मैं अभी सॉर्ट आउट करूंगा। लीकेज को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी आपको बताना चाहूंगा। लीकेज को फाइंड आउट करने का सिंपलेस्ट वे है कि आप देखिए कहां से पानी लीक हो रहा है, आप खुद अगर उसके अंदर देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि पानी कहां से लीक हो रहा है। तो इस केस में दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सोलनेट वॉल से जो है वो पाइप ठीक से नहीं बैठा, उसके कारण पानी लीक हो रहा है, तो उसको सिक्योर कर दूंगा वापस। तो दोस्तों इसको निकाल के मैंने दोबारा से लगा दिया है, तो अभी वो लीकेज बंद हो गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में से आपको कुछ नॉलेज मिली होंगी, अगर मिली होगी तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, और अगर आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट्स में डालना मत भूलिएगा, और हम लोग मिलते हैं हर ट्यूसडे को लाइव स्ट्रीम के लिए 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो जरूर वेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टेक केयर।